उनके लिए कार्य करते हैं, खेसारी जी किन के लिए कार्य करते हैं, इसलिए कि उस व्यक्ति ने मतलब समाज के छोटे तबके के लिए या अपने साथ के लोगों के लिए या अपने बहुत सारे आसपास के लोगों के लिए ऐसा ऐसा कार्य किया उसने कि इंसान के चाहने से उसका कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, प्रणाम आप सभी का एक बार फिर से तवाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ फाइनली भोजपुरी के बहुत ही सीनियर कलाकार और कॉमेडी स्टार आनंद मोहन जी के पास। सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम, आप सबके भी प्रणाम और तबाही न्यूज़ के। अब बताई नामे ऐसा बात तबाही तो ये तो जरूर बा कि मैंने न्यूज़ में जो बात ऐसा कुछ होला कि मैंने तबाही तो मचाइए दिला। तो आप सब लोग के प्रणाम और तबाही न्यूज़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमरा के लायक समझते नहीं। और उसी तरह से उसी के एक जवाब में साथ खेसारी लाल यादव के मामला बहुत तेज़ी से तुल ही पकड़ रहा है कि खेसारी लाल सिद्धू मूसेवाला की तरह तुम्हारा भी हस्ल ऐसा ही होगा। साथ खेसारी लाल यादव जी को भी जान मारने का धमकी मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कौन दिया है धमकी? क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक पेज में या फिर कुछ चीज़ में ऐसा लिखा हुआ था, मैं भी उस चीज़ को देखा हूँ, तो खेसारी लाल यादव जी के परिवार वाले और सभी लोग की उनके सुरक्षा का गुहार लगा रहे हैं प्रशासन, तो आप क्या करना चाहेंगे? खेसारी लाल यादव जी के साथ ऐसा संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये चाह के भी अगर कोई चाहेगा भी तो नहीं हो सकता, इसलिए कि उस व्यक्ति ने मतलब समाज के छोटे तबके के लिए या अपने साथ के लोगों के लिए या अपने बहुत सारे आसपास के लोगों के लिए ऐसा ऐसा कार्य किया उसने कि इंसान के चाहने से उसका कुछ नहीं हो सकता। अब ईश्वर ही चाह दे तो कौन जानता है कि नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहें, खेसारी लाल यादव को कुछ नहीं होने जा रहा है। ना कहीं ना कहीं हम लोग भी देखते हैं कि जैसे अभी हमारे पास, मैं आपके पास आ गया हूँ भले ही एक प्रेस के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सेलिब्रिटी स्टार हैं, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी भी सेलिब्रिटी स्टार हैं। बड़े बड़े स्टारों को मैं देख रहा हूँ कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, जैसे उनके हित जन अपने जो वीडियो डायरेक्टर सब जो साथ में, लेकिन सरकार उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है। तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं या फिर बड़े बड़े स्टार सुरक्षित महसूस करते हैं, आपका कहना क्या है? देखिए, हम किसके लिए कार्य करते हैं? पब्लिक के लिए। उनके लिए कार्य करते हैं? खेसारी जी किन के लिए कार्य करते हैं? उनके लिए। पवन जी किसके लिए कार्य करते हैं? उनके लिए। और वो आज स्टार क्यों हैं? स्टार उन लोगों ने बनाया है, तो जब उन लोगों ने किसी को सर पे चढ़ाया है तो ऐसे ही सर से कैसे उतार देंगे? नहीं उतारेंगे। इसलिए नहीं उतारेंगे कि उन्होंने चढ़ाया है, कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां इनमें हैं जो उन लोगों को अच्छी लगती है, तब तो अपने पास रखे हैं सर पे, अपने दिल में रखे हैं। जिस दिन उनको अच्छा नहीं लगने लगेगा उस दिन ये लोग उतार सकते हैं, मर्डर नहीं कर सकते, ये दिल से उतार सकते हैं, अपने सर से उतार सकते हैं। और रही बात मर्डर की और रही बात सुरक्षा की, तो अगर आपकी आपसी कोई रंजिश हो या आपका कोई बैक पिछले दिनों या भविष्य में या अभी वर्तमान में कहीं ना कहीं कोई उस तरह का विवाद अगर हो जाए तो उसमें वो लोग क्या करेंगे? वो तो आपको सलटना होगा। तो वो अपने पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करता है कि हम लाइफ में कैसे हैं और हमारा किससे क्या विवाद है, है ना? तो उसके लिए तुम्हारा तो हम तो देखे हैं, सब लोगों के पास बाउंसर्स हैं, सब लोग के लोग हैं, है ना? और हम तो ये हमारा मानना है कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। देखिए गोलू राजा जी को, गोलू राजा को स्टेज पे गोली चल गया और कई महीने वो बेचारे परेशान रहे, हाथ में सीने में कहाँ कहाँ गोली लगा था, तो परेशान रहे, लेकिन आज क्या हुआ? ईश्वर की कृपा हुई, फिर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, पर्सनल दुश्मनी आपकी क्या है उससे तो मतलब नहीं है और ना ही लोग जानते हैं, लेकिन अगर स्टार की बात है, कलाकार की बात है, तो हमारा मानना है कि सबका प्यार आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, हम इन्हीं के लिए कार्य करते हैं, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। मतलब कि अभी कहने का मतलब ये था कि आपके गाने तो आ रहे हैं, आपका लगता है कि विवाद से बहुत कम ही नाता, हमारे ख्याल से लग रहा है कि न के बराबर ही होगा,
लेकिन आपके इंडस्ट्री में आपके जो छोटे छोटे भाई हैं या फिर उन्हें आपके सामने बच्चे में कहूँ तो कम नहीं होगा, तो इंडस्ट्री में आज आए दिनों हर दिन विवाद होते रहता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो विवाद कहाँ होता है? नहीं होता है विवाद, कहाँ है ना विवाद, कहाँ है? कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। तो अभी जो ये जातिवाद का जो मामला चल रहा है, कभी अहिरान कभी भगवान कभी पसवान कभी फलाने कभी ढिमके, अहिरान के अहिरान मतलब, अब हमको तो मालूम नहीं है कि क्या होता है अहिरान के, मतलब कि ये हम जानते हैं कि अहिर मतलब यादव होता है। अच्छा यादव, भगवान मतलब बाबू साहेब होते हैं, भगवान मतलब बाबू साहेब। अच्छा इसका विवाद चल रहा है? नहीं नहीं, उसका होता क्या है, देखिए अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मणान हो गए है, एक और बात हुआ, एक संगीत ही ऐसा है, एक स्वर ही ऐसा चीज है जो किसी दायरे में नहीं बंध सकता पूरे संसार में। ये तो एक भोजपुरी भाषा है, ये भोजपुरी भाषा है, आप केवल भोजपुरी एक भाषा की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, स्वर संगीत, और ये विवाद संगीत में ही है, ये अलग की बात है कि भोजपुरी संगीत में है, तो हम तो भोजपुरी कह रहे हैं ना, पूरे संसार के किसी भी भाषा में और किसी भी जगह स्वर को संगीत को कोई बांध के न रखा है और न रख सकता है। ये सब वही लोग करते हैं जो लोग ये समझते हैं कि बस हम हमारा दायरा इतना ही है, हाँ हम अहिरान मतलब यादवों के लिए ही गाते हैं, कोई कहे कि हम क्षत्रियों के लिए ही गाते हैं, कोई कहे हम ब्राह्मणों के लिए ही गाते हैं, तो वो उनकी सोच है कि वो अपने आप को उसी दायरा में रखते हैं। अरे उनके लिए तो संसार खुला है महाराज, उनके लिए संसार है, कई देश हैं जहाँ भोजपुरी चलता है। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपनी सोच को ख़त्म कर दें, क्योंकि उनके लिए और उनके दर्शक और श्रोता कई देशों में इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग इससे हट के और अपने प्रतिभा को और दायरा लंबा करें चौड़ा करें और लोगों को उससे लाभान्वित कराएं। तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हमको लग रहा है कि धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा। बाकी कलाकार वही होता है, भले कहने को कुछ भी हो, कलाकार वही होता है जो दिल का सच्चा होता है, और कलाकार वही होगा जो भावुक होगा। अगर भावुक नहीं होगा, दिल का सच्चा नहीं होगा, तो वो कलाकार हो ही नहीं सकता है। अगर किसी भी कलाकार को अगर 10 लाख लोग भी जानते हैं ना, तो वो कलाकार है, और कलाकार है तो इसका मतलब ये दिल का सच्चा तो होगा जरूर। हो सकता है किसी ना किसी मोड़ पे आके ये कहना उसकी मजबूरी हो, जिसको वो बखूबी समझता है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है, और वो अंदर से ऐसे लोग हैं नहीं। तो चलिए, थे हमारे साथ में आनंद मोहन सर, और जो कि अपने बातों को बहुत शालीनता से हर एक बातों का जवाब दिया। तो सर आपको जाते जाते मैं एक चाहूँगा कि हमारे चैनल के बारे में और अपने कुछ अंदाज में, अपने जिस आते हैं जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कुछ बोल दे दर्शकों को आप। ए बेटा, तबाही न्यूज पे अभी हम जो है बोल रहे हैं, और तबाही का मतलब आप लोग जानबे करते हैं, हम भी लंदफंद कुछ बोले होंगे तो हमको माफ़ कीजिएगा। हैं तबाही न्यूज को बहुत बहुत शुभकामना।